नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आज बड़ी खबर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन 4.0 का ऐलान होने वाला है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छूट की बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कल जब देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही थी, तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे खत्म करने की बात कही थी। तो आज रात 8 बजे का संबोधन कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि यहां से देश की अब नई दिशा तय होने वाली है। यह तय होगा कि क्या लॉकडाउन 4.0 17 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा या कुछ छूट मिलने वाली है या लॉकडाउन पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन देश के मजदूरों के नाम हो सकता है, क्योंकि लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। ट्रेनों को रेलवे ने चालू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर मजदूरों का रेला जारी है। लगातार मजदूर एक राज्य से अपने गृह राज्य जा रहे हैं, तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन देश के मजदूरों के नाम भी हो सकता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे आएंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत करने के लिए कहेंगे या फिर किसी ऐसे इवेंट की भी बात करेंगे, जैसा इस देश में उन्होंने इसके पहले संबोधन में कहा और उसके बाद एक बार जनता कर्फ्यू का उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद उन्होंने थाली और शंख बजाने की बात कही थी, फिर दीप जलाने की बात कही थी। तो क्या कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं वो, या ये सिर्फ लॉकडाउन के ऐलान की बात होगी या आर्थिक पैकेज की बात होगी, इस पर भी सभी की नज़र है। तो आज का संबोधन कई मायनों में खास होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होने वाला है।